हाय गाइस, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हमारा टॉपिक है एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। ये टर्म्स किस लिए यूज़ होती हैं? ये टर्म्स सेल के मौत के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है? कि सेल किस तरह से मरता है, इसके दो तरीके हैं। एक तो है एपोप्टोसिस और दूसरा है नेक्रोसिस। आज हम इन दोनों में क्या फ़र्क है ये आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम एपोप्टोसिस को डिस्कस करते हैं। एपोप्टोसिस क्या होता है? ये बेसिकली प्रोग्राम्ड सेल डेथ को एपोप्टोसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे जिस्म ने पहले से डिसाइड किया होता है, और सेल ने भी पहले से डिसाइड किया होता है कि उसने कब जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाना है, कितनी एज है उसकी और कब उसने खुद को ख़त्म कर लेना है। तो एपोप्टोसिस कब कब होती है? ये हमारी डेवलपमेंट में पैदाइश से पहले, जब हमारी फिंगर्स वगैरह बन रही होती हैं। तो आपको मैं बताता जाऊँ कि फिंगर्स के दरमियान वेब होता है, ठीक है, इधर बिल्कुल। तो वेब जो है उसके सेल जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुद को डीजनरेट कर लेते हैं और हमारी फिंगर्स इस शेप में आ जाती हैं। तो एक तो यहाँ पे एपोप्टोसिस यूज़ हो रही है। इसके अलावा फ्रॉग में भी एपोप्टोसिस देखी जाती है कि जब वो लार्वा होता है तो उस वक़्त जो है वो उसकी टेल होती है, लेकिन जब वो फ्रॉग मैच्योर हो जाता है तो उसकी टेल गायब हो जाती है। तो उसमें भी एपोप्टोसिस के थ्रू उसकी टेल जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, उसके सारे सेल्स डीजनरेट हो जाती है टेल। तो एपोप्टोसिस होती कैसे है दोस्तों? एपोप्टोसिस में सबसे पहले तो सेल सिकुड़ना शुरू कर देता है। जब वो सिकुड़ता है तो उसके अंदर एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं और उसका जो साइटोस्केलेटन होता है, मतलब कि सेल का ढांचा जिसकी वजह से उसकी शेप वगैरह बरकरार है, वो भी टूट जाता है। जब वो टूटता है तो सेल जो है वो गोल शेप में आ जाता है। उसी दौरान उसका न्यूक्लियर एनवेलप भी टूटता है और उसके क्रोमोसोम्स भी कंडेंस होकर बाहर बिखर जाते हैं। उसी दौरान अब जब वो ये सब हो गया है तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी बडिंग स्टार्ट हो जाती है। बडिंग मतलब उसकी आउटग्रोथ सी बनने लग जाती हैं और उसको ब्लब्स कहते हैं, ठीक है। अब ये ब्लब्स जो हैं, मतलब बड्स जो हैं, वो एक दूसरे से फ्री हो जाते हैं और इनको कहते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज। जब ये एपोप्टोटिक बॉडीज बन जाती हैं तो हमारे सेल जो इंगल्फ करते हैं, मतलब फैगोसाइटोसिस करते हैं, वो वाले सेल आके इन एपोप्टोटिक बॉडीज को इंगल्फ कर लेते हैं और ख़त्म कर देते हैं। तो ये है एपोप्टोसिस का अमल। अब हम चलते हैं नेक्रोसिस की तरफ कि नेक्रोसिस क्या है। नेक्रोसिस कोई प्रोग्राम्ड सेल डेथ नहीं है, बल्कि ये अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ है। कोई भी हादसा होता है, हमें कट लग जाता है, हमारे जिस्म में कोई भी स्ट्रेस के थ्रू यकदम अगर कोई सेल मर जाता है तो उसको कहते हैं नेक्रोसिस। नेक्रोसिस जो है इन्फेक्शन के थ्रू भी हो सकती है, और उसके साथ साथ अगर ऑक्सीजन कम मिल रही है सेल को, जिसे कि हाइपोक्सिया कहते हैं, उससे भी नेक्रोसिस हो सकती है। नेक्रोसिस में होता क्या है? नेक्रोसिस में जो सेल है उसका जो लाइसोसोम है वो ऐसे एंजाइम जो है वो रिलीज़ करता है कि जो सेल को खाना शुरू कर देते हैं और सेल आहिस्ता आहिस्ता टूट जाता है, ठीक है। और उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो दूसरे जो सेल्स हैं उसकी, यानी कि अपने एनवायरनमेंट में, ये एंजाइम जो हैं ये सेल के मुख्तलिफ हिस्सों को तोड़ते हैं और सेल से निकलकर साथ वाले सेल्स को भी डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें जब भी कभी जो नेक्रोसिस होगी तो उसके नतीजे में इन्फ्लेमेशन होगी, मतलब ये जाके दूसरे साथ वाले सेल्स को भी नुकसान पहुंचाएंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन, सोजिश वगैरह सी और पेन वगैरह हमें महसूस होने लग जाती है। तो एपोप्टोसिस में ऐसा कुछ नहीं होता, नेक्रोसिस में जो है ये सारे काम होते हैं। इसके अलावा अगर हम अपने किसी ज़ख़म का सही से ख्याल नहीं रखते तो उसके नतीजे में भी नेक्रोसिस वहाँ पे स्टार्ट हो सकती है। तो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस ये है कि एपोप्टोसिस जो है वो प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, और जबकि नेक्रोसिस जो है वो एक हादसाती मौत है। जी दोस्तों, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। कैसा लगा आपको लेक्चर? अगर समझ आ गया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।